गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो वी आर ऑन द टॉपिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन. फाइन. और मैं आपको बताने जा रहा था फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना. राइट. देखो, कतर में लुसाई स्टेडियम पर ये जो मैच था, राइट, तो इस मैच की प्रसारण की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारे पास एक अर्थ स्टेशन बना, और इस अर्थ स्टेशन से सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया. मतलब बात समझना, कतर में ये जो लुसाई स्टेडियम है, लुसाई स्टेडियम से मैच हो रहा है. लुसाई स्टेडियम से जहां से ये मैच हो रहा है उसको पहले उसको डायरेक्ट कैमरे पर लेकर डायरेक्ट लॉन्च किया जा रहा है. और लॉन्च करते समय इसको कहां भेजा जा रहा है, सैटेलाइट पर. राइट. टोटल 3 सैटेलाइट मिलकर पूरी अर्थ के सरफेस को कवर कर देते हैं. राइट. तो ये एक अर्थ स्टेशन है लुसाई स्टेडियम, जहां इसका एक अपना अर्थ स्टेशन होगा, वहां से ये सिग्नल भेजा जा रहा है. और जहां भेजा जा रहा है वहां आपके पास सैटेलाइट है. अब इस सैटेलाइट पर एक फ्रीक्वेंसी बनेगी जिसको कहा जाता है अपलिंग. अपलिंग फ्रीक्वेंसी को मैं F1 मान लेता हूं या F अप मान लेता हूं. और इसके बाद इस सिग्नल को भेजा जा रहा है वापस F डाउन से, तो अपने पास अगला वर्जन बनेगा डाउनलिंक. याद रखना, अपलिंक कराते समय लुसाई स्टेडियम से ये सिग्नल केवल भेजा जा रहा है. जैसे ये यहां पहुंचेगा तो यहां नंबर ऑफ लेयर्स होंगी. राइट. नंबर ऑफ लेयर्स को क्रॉस करते हुए ये सिग्नल यहां पहुंचेगा. तो जब नंबर ऑफ लेयर्स को क्रॉस करते हुए पहुंचेगा तो यहां सिग्नल्स पर एटेन्यूएशन भी होंगे. राइट. तो हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी पर लॉसेज हो सकते हैं ज्यादा. तो हम क्या करते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं, अपलिंक फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं ताकि हमारे पास लॉसेस कम हो और ये सिग्नल प्रॉपर यहां पहुंच जाए. जब ये सैटेलाइट पर पहुंचेगा तो सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर इसको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के सहारे वापस भेजेगा. अब समझिए, कतर में मैच हो रहा है लुसाई स्टेडियम में, मैच एक जगह हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इसे देख रहा है, हम इंडिया में देख रहे हैं. राइट. एशियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन होंगे, ऑस्ट्रेलिया होगा, नीदरलैंड होगा, जर्मनी, जापान, यूएसए, एवरीवेयर. तो क्या अब ये जो डाउनलिंक है, डाउनलिंक पर हमारे पास नंबर ऑफ अर्थ स्टेशन होंगे, नंबर ऑफ अर्थ स्टेशन, और इनमें से जिस अर्थ स्टेशन को रिसीव करना होगा वो रिसीव करता जाएगा. बोलिए, लेकिन सिग्नल भेजने वाला कोई एक ही था. तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के बाद मान लीजिए मुझे अर्थ स्टेशन 2 पर, ये रहा कोई अर्थ स्टेशन 2, राइट, लुसाई स्टेडियम से ये इंडिया पर हम मैच देख रहे हैं. राइट. अब इंडिया में अर्थ स्टेशन पर ये कैच हुआ, तो ये बताइए इस प्रोसेस में अपलिंक फ्रीक्वेंसी को अगर हम 6 गीगाहर्ट्ज़ रख रहे हैं तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. पहली बात तो दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए. बोलो, दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए. और ये 6 नहीं है इस समय, है ना, इस समय इसकी रेंज अलग है, बट फिर भी मैंने ओल्डर रेंज में 6 गीगाहर्ट्ज़ मान लिया है. राइट. जैसे मान लो मैं 6 की जगह 30 मान लो, इसे अपलिंक किया गया है 30 गीगाहर्ट्ज़ पर और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है 20 गीगाहर्ट्ज़.
यू बैंड की बात कर लेते हैं, के बैंड की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ जो सिग्नल आपने भेजा है वो किस फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया, 30 गीगाहर्ट्ज़, और किस फ्रीक्वेंसी पर ये रिसीव हो रहा है, 20 गीगाहर्ट्ज़, राइट। तो ये जो सिग्नल गया इसको यहां लिया गया और वापस इसको यहां भेज दिया गया, राइट। तो क्या आपने नोटिस किया है, आपने नोटिस किया है यह प्रसारण होते समय, यह प्रसारण होते समय थोड़ा टाइम लेगा, राइट। आपने देखा होगा आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोपागेशन टाइम कम लेता है, बट यहां सिग्नल्स को कई लेयर को क्रॉस करके ऊपर पहुंचना होता है, इसकी वजह से यहां कुछ प्रोपागेशन टाइम जरूर लगता है, राइट। जिसकी वजह से अगर कभी आप रेडियो में कमेंट्री सुने वो कमेंट्री दो बॉल आगे की चलती है, राइट, क्रिकेट मैच में, और जो वीडियो होता है वो थोड़ा पीछे चल रहा होता है जब आप टीवी पर उसका प्रसारण देखते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो। हाँ ब्रिकेस, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को लेस रखेंगे, पहली बात तो दोनों फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रखते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि अपलिंग और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगी, अलग अलग। अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। दूसरा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी को आप हाई रखते हैं कंपेयर टू डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि यहां नंबर ऑफ जो लेयर्स होती हैं भेजते समय हमारे पास, हमें फ्रीक्वेंसी को हाई रखना होगा क्योंकि यहां लॉसेस भी होंगे। ये मॉड्यूलेटेड, दिस इज अनमॉड्यूलेटेड ब्रिकेस, दिस इज वॉट अपलिंक, दिस वन इज वॉट डाउनलिंक। ये ऊपर जा रहा है, टफनेस है, ये आसानी से यहां वापस आएगा, और ये अर्थ स्टेशन में रिसीव होने के बाद फिर टेरेस्ट्रियल स्पेस और फिर आपके घर। ठीक है, ऊपर से सिग्नल को नीचे भेजना आसान होगा, नीचे से ऊपर भेजना आसान होगा, ऊपर से नीचे भेजना आसान होगा। गोविंद, अगर भारत पाकिस्तान की अभी लड़ाई हो जाए तो जो पहाड़ पर ऊपर होगा उसको फायदा मिलेगा या जो नीचे होगा उसको फायदा मिलेगा, ऊपर वाले को, ऊपर वाले के लिए आसान है नीचे पहुंचना। राइट, हाँ लॉसेस तो होंगे ब्रिकेस, ब्रिकेस जब सिग्नल भेजा जाएगा भेजते समय उसको नंबर ऑफ लेयर्स को क्रॉस करके जाना होगा। ठीक है, आयनोस्फेरिक लेयर, एफ लेयर, डी लेयर, इन सब लेयर को क्रॉस करके जाना होगा तब वो ऊपर पहुंच पाएगा। तो वहां पाथ लॉसेज, रिफ्लेक्शन लॉसेज होंगे, वहां से वापस आना है वो इजियर पाथ होगा। ठीक है, हो गया यहां तक सबका। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट है,
अर्थ का, ठीक है, इसको बनाया नहीं गया, आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल है। हो गया कंप्लीट? राइट। अब ये बताओ, जैसे हम लोग इस पर बातें स्टार्ट करें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, तो क्या हम कह सकते हैं, इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द अर्थ स्टेशन थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज नोन एज then it is known as satellite communication. तो ये वाला जो कम्युनिकेशन था ऊपर वाला, वो कैसा कम्युनिकेशन है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दो अर्थ स्टेशन थे, एक यहां अर्थ स्टेशन है, एक यहां अर्थ स्टेशन है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू। पहले सैटेलाइट पर जाएगा सिग्नल, फिर सैटेलाइट से वापस आएगा। राइट अब देखो, जनरली हमारे पास अगर हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो जनरली क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले, कल मैंने बताया था आर्थर सी क्लार्क के बारे में, इन्होंने 1957 में सैटेलाइट इन्वेंट किए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, नासा ने कन्फाइंड किया इटसेल्फ, पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नासा ने पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्राइव किए।
नासा ने कैसे सैटेलाइट लॉन्च किए, पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लेकिन 1960 पर AT&T बेल लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक्टिव रिपीटर वर्जन भी लॉन्च किए गए जो एम्पलीफाई करते थे। अभी गोविंद लिखवाऊंगा इसको, ठीक है, चार रीजन है, चारों लिखवाऊंगा। अभी ओरली बोला है, सबसे पहले हमारे पास जो सैटेलाइट बनाए गए उसमें टेलीस्टार आया, मार्केट में सबसे ज्यादा टेलीस्टार उस समय आया था, राइट। नासा ने AT&T बेल लेबोरेटरी के साथ मिलकर इन्वेंट किया था। फिर नासा ने ही 24 आवर्स के लिए सिंकॉम निकाला और मिलिट्री प्रोग्राम के लिए एडवेंट निकाला। फिर इसके बाद कॉमसेट आया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉमसेट निकाला गया। कॉमसेट प्रॉपर वर्क कर रहा था बट जियो सिंक्रोनस के लिए कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया और कॉमसेट फर्स्ट सैटेलाइट था 6 अप्रैल 1965 का। इसके बाद मार्केट में लॉन्च किया गया अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड GPS के लिए था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। राइट, देखो सबसे पहले नासा ने पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने स्टार्ट किए, लेकिन इन पर सिग्नल्स की और एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए AT&T बेल लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक्टिव रिपीटर भी लगाए गए, जिसके साथ टेलीस्टार बनाया गया। टेलीस्टार स्टार्टिंग में था, फिर सिंकॉम आया, ये इसका अदर वर्जन था, फिर कॉमसेट आया अदर वर्जन था, फिर अर्ली बर्ड आया, और इसके बाद लॉन्चिंग पैड्स केवल नासा के नहीं रह गए, हर कंट्री में लॉन्च हो गए, राइट। आज की डेट में सबसे सस्ती सैटेलाइट बनाने वाली कंट्री इंडिया है, सबसे चीपेस्ट रेट पर सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंट्री इंडिया है, राइट। और इसरो इस समय सबसे मैक्सिमम लॉन्चिंग व्हीकल पैड बनाती है। इसके अलावा सबसे हाईएस्ट रेट पर अगर
किसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग कीमत 300 करोड़ है तो इंडिया में वो कीमत 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़ पर बेस्ड होती है, राइट। इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजीज को, हाँ लेकिन ये एक प्रॉब्लम जरूर है, अभी तक इसके फेल्योर नहीं देखे गए हैं, ये अभी जस्ट बनाए गए हैं, अभी तक वर्थफुल है, राइट। टेक्नोलॉजी बेस आगे इनकी इन्हांसमेंट कैसी है ये भी आगे पता चलेगा। रसिया, फ्रांस, नंबर ऑफ कंट्रीज इंडिया से बारूद सीख लेते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा है, लॉन्च रसिया के लिए कर रहा है, लॉन्च फ्रांस के लिए, इंडिया के लिए तो हो चुके लॉन्च, इंडिया की जितनी जरूरत है वो तो ऑलरेडी हो चुकी कंप्लीट, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है अदर कंट्रीज की हम हेल्प कर रहे हैं, राइट। इंडिया ने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, होमी जहांगीर भाभा सेंटर, विक्रम साराभाई प्रोजेक्ट सेंटर, नंबर ऑफ स्पेस सेंटर इंडिया ने अपनी कंट्री के लिए बनाए हैं और ये स्पेस सेंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल जो हम भेज रहे हैं, तो देखिए सिग्नल को भेजते समय दो तरह के प्रोपगेशन थे, आपको ये क्लियर होगा, टू टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन थे पुराने, टू टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन में एक प्रोपगेशन था, जो पहला प्रोपगेशन था ग्राउंड वेव, दूसरा स्पेस वेव, सॉरी स्पेस नहीं स्काई वेव, स्काई वेव प्रोपगेशन। राइट, अब आप देखो ग्राउंड वेव और स्काई वेव, इन दोनों प्रोपगेशन की लिमिट है, राइट। जैसे जो जमीन पर हो रहा है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, मैंने कल बताया था 40 मीटर, 50 मीटर, 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऊंची ऊंची अगर आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है एस्टेब्लिश, दूर दूर की डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आती थी, राइट। तब भी याद रखिए ऑलमोस्ट ये 1500 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक वर्थफुल है, अप टू मैक्स, ये मैक्सिमम लिमिट है। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन कहां तक, 1500। स्काई वेव, ग्राउंड वेव तो बहुत ही कम है, ग्राउंड वेव में लगभग कुछ किलोमीटर का होता है, राइट। स्काई वेव के थ्रू भी हम कितना कर पा रहे हैं, 1500 किलोमीटर। अब 1500 किलोमीटर से अगर दूर बात करनी है तो क्या बात नहीं करेंगे, अगर 1500 दूर किलोमीटर पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो क्या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। इसको करने के लिए अब मजबूरी है कहां जाना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन और स्काई वेव प्रोपगेशन कैसे हैं, टेरिस्ट्रियल, तो टेरिस्ट्रियल प्रोपगेशन ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है ब्रिकेस। अब अगर हमें 1500 किलोमीटर से ऊपर जज कराना है अपने आप को, राइट, तो क्या करना होगा, किस कम्युनिकेशन थ्योरी की मदद लेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देन तो क्या अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा, सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कम्स, सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज नीडेड।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ गई है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मेजर एडवांटेज क्या दिख रहे हैं? इसके क्या क्या मेजर एडवांटेजेस हो सकते हैं? यहां तक पहले क्लियर है सबको? देखो जनरली जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये तीन बैंड हम प्रयोग करते थे, सी बैंड, इसमें अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 होती है, डाउनलिंक 4 होती है, फिर केयू बैंड आता था 14/12, के बैंड 30/20, हो गया। अब देखो पहला एडवांटेज, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। Point to multi-point communication is possible. देखो इसका क्या मतलब है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब है जैसे आपने एक पॉइंट से सिग्नल लिया, लेकिन क्या डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी केवल एक कंट्री कैच कर रही है क्या उस सिग्नल को? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं? कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? पहला एडवांटेज क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। राजरानी क्लियर है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है, फाइन। अच्छा दूसरी बात हम ये भी सोच सकते हैं इसका एरिया कवरेज ज्यादा होगा, जैसे एरिया ऑफ कवरेज area of coverage is more than that of terrestrial system.
अब ये बात भी प्रेटी श्योर है इसमें कि एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा है इसका टेरेस्ट्रियल से बहुत ज्यादा। टेरेस्ट्रियल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एक बाउंड्री सिस्टम, एक बाउंड्री सिस्टम किसी स्टेट का हो सकता है, किसी और कंट्री तक का हो सकता है, लेकिन उससे बड़े सिस्टम के लिए एरिया ऑफ कवरेज उससे ज्यादा चाहिए, तो कौन सा सिस्टम लेना होगा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वर्थफुल फॉर, कैन आई से एरिया ऑफ कवरेज इज मोर आर लेस? एरिया ऑफ कवरेज इज मोर। नेक्स्ट, हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहां पर द सर्किट फॉर द सैटेलाइट कैन बी इंस्टॉल्ड इजली, केवल एक छतरी लगानी है, राइट, रिफ्लेक्टर, एंटीना, ऐसे वर्जन्स केवल यूज करने हैं और आपके पास प्रॉपर वर्क हो जाएगा। इसका मतलब इसका इंस्टॉलेशन, सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन करने के लिए, सैटेलाइट के सिग्नल को लेने के लिए इंस्टॉलेशन करना बहुत आसान है। बोलो डीटीएच डायरेक्ट टू होम, राइट, इन सर्विसेज को लेना आसान है। क्या दुनिया का हर एक कोना सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवर कर सकता है या नहीं? लिखो, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं यहां से इंफॉर्मेशन, इधर समझना, ये लुसाई स्टेडियम से इंफॉर्मेशन गई सैटेलाइट पर, अब बगल में उसकी नाइबर कंट्रीज पर इस प्रसारण हो रहा है, या इंडिया पर हो रहा है, या नीदरलैंड में हो रहा है, या जापान में हो रहा है, इससे कोई फर्क है क्या? क्या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सैटेलाइट के लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती? बोलिए, बात समझ पा रहे हैं? राहुल समझना, एक कॉल जो इंडिया से बाहर जानी है, चाहे वो इंडोनेशिया जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो यूरोप जाए, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? कोई इंफॉर्मेशन यहां से वहां जानी है, एक कंट्री से सेकंड कंट्री, तो वो सेकंड पर जाए या थर्ड पर जाए या एट्थ पर जाए, जिस सैटेलाइट के थ्रू जानी है उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब हम कह सकते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन is independent of distance, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कहीं भेजो।
नेक्स्ट, इसमें वी कैन अचीव मोर बैंडविड्थ, मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज है इसमें। मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्ट पॉसिबिलिटीज, ट्वेंटी फोर आवर्स। ट्वेंटी फोर आवर्स इसकी सुटेबिलिटी है स्टूडेंट्स, पूरे 24 घंटे कभी भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, सैटेलाइट रिवॉल्व करता रहता है। मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज है, हम यहां पर मोर बैंडविड्थ और ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैच दो घंटे का है तो केवल दो घंटे का ही प्रसारण होगा, हम 24 घंटे कभी भी प्रसारण कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज मोर है, राइट? तो बताओ ये सब एडवांटेज है या नहीं? लेकिन अगर कहा जाए इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं दिख रहा, ये सारी बातें एडवांटेज हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप डिसएडवांटेज सर्च करो, तो बताइए क्या सैटेलाइट का एक्सपेंडिचर, स्टार्टिंग एक्सपेंडिचर महंगा है या नहीं? तो डिसएडवांटेज लिखो। इनिशियल एक्सपेंडिचर इज हाई, देयर कैन बी कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, प्रोपागेशन इश्यूज, प्रोपागेशन इश्यूज एंड इंटरफेरेंस में कम। डिफिकल्ट टू रिपेयर, दिक्कत आई तो रिपेयरिंग बड़ी टफ है। डिफिकल्ट टू रिपेयर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिक्वायर्स
हाई पावर। एंड लार्ज डायमीटर एंटीना। एफिशिएंसी ऑफ सैटेलाइट में डिक्रीज ड्यू टू एजिंग इफेक्ट। हो गया कंप्लीट। There can be congestion of frequencies. Second, हो गया कंप्लीट। चलो अब सुनो, सबसे पहले ये समझना जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास, अगर मैं इनिशियल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो क्या सैटेलाइट के लिए लॉन्चिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा कीमत चाहिए? तो क्या इनिशियल एक्सपेंडिचर हाई है? दूसरा, कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकता है। देखो इधर, जैसे मान लो मैंने कोई सिग्नल 30 गीगाहर्ट्ज पर यहां पर अपलिंक कराया और डाउनलिंक 20 गीगाहर्ट्ज पर कराया, यहां कई सारे और ऐसे स्टेडियम्स में मैच होंगे जिनको भेजा जा रहा है, राइट? तो क्या कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी पॉसिबल है, राइट? यहां नंबर ऑफ अर्थ स्टेशंस हैं जो रिसीव कर रहे हैं,
तो क्या रिसीविंग फ्रीक्वेंसीज पर भी ये इशू रहेगा? बोलो, कंजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, राइट? तो सेकंड मैंने डिसएडवांटेज बताया है, देयर कैन बी कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तीसरा, प्रोपागेशन इश्यूज। देखो, प्रोपागेशन इशू तो है ही, आप समझ ही रहे हैं कि जब मैं हम लोग जनरल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं आसपास का, तो ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट तो आसान है, राइट? लेकिन हमारे पास जब दूर की हम बात कर रहे हैं, आप देखते हो कोई मैच जब आ रहा होता है और मैच को आप टीवी पर देख रहे होते हैं, तो मैच को देखते समय मैच में कुछ डिले चलता है, तो क्या प्रोपागेशन लेट हो रहा है या नहीं? क्या समटाइम्स फ्रीक्वेंसीज का कंजेशन हो सकता है, तो इंटरफेरेंस भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है इंटरफेरेंस वाली। डिफिकल्ट टू रिपेयर का मतलब है, सैटेलाइट में अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आई, सैटेलाइट में हर चीज रिमोट सेंसिंग बनाई जाती है, लेकिन आपने एक फोर व्हीलर खरीदी, राइट? कहा जाता है कि ये जो गाड़ी की हम चाबी आपको दे रहे हैं कि ये लंबे समय तक प्रॉपर चलेगी, लेकिन बताओ क्या लो बैटरी लिखकर आना स्टार्ट नहीं हो जाता 4-5 साल में, राइट? फिर आपने सेल डलाया, फिर चलने लगा। अब वहां तो सोलर सिस्टम पर ये सब कुछ है, सब कुछ किस पर बेस्ड है? सोलर सिस्टम पर, राइट? और सोलर सिस्टम में इनिशियल इतनी एनर्जी बनाकर चलते हैं कि हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने का बैकअप बना रहे, इतना स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग रखते हैं, राइट? कि कभी प्रॉब्लम ना आए, लगातार बारिश हो रही है, लगातार मौसम खराब है, तब भी उसके पास इतनी एनर्जी मेंटेन रहे कि वो 3 से 4 महीने बिना एनर्जी के भी काम कर जाए, राइट? इतना हम लेकर चलते हैं और रिमोट से इसको प्रॉपर हैंडल करते हैं। अगर इधर उधर कोई इंक्लिनेशन आ गया तो रिमोट से कंट्रोल करते हैं, मोटर लगी होती है जो इसको मोड़ती है, इधर उधर करती है, राइट? हमारे पास जो सैटेलाइट होता है, उस सैटेलाइट को हम लोग रिमोट से प्रॉपर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या रिपेयरिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल है? क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, वो चल रहा है, अब उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। आप कंट्रोल कर सकते हो और चीजें कर सकते हो, लेकिन रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं। बोलिए, इज वेरी डिफिकल्ट। रिमोट के थ्रू जो बहुत रिपेयरिंग हो सकती है वो करोगे, उसके अलावा नहीं। ट्रांसमीटर और रिसीविंग रिक्वायर, हाँ देखिए, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिक्वायर हाई पावर एंड लार्ज डायमीटर एंटीना। ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन पर जब आप ट्रांसमिट करते हो और जब आप रिसीव करते हो, तो आपको लार्ज डायमीटर एंटीना चाहिए। अगर पुराने आपने दूरदर्शन या कुछ और बड़े एंटीना देखे हो, तो बहुत बड़े बड़े बल्की साइज के एंटीना देखे होंगे आप, राइट? लार्ज डायमीटर, और ट्रांसपॉन्डर से हाई एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर वो सिग्नल ट्रांसमिट हो पाता है, राइट? कहीं आपने दूरदर्शन केंद्र देखे हों, तो ट्रांसपॉन्डर्स के थ्रू जब सिग्नल्स को भेजा जाता है, तो वहां पर हाई एनर्जी चाहिए, हाई पावर। और डायमीटर सर्किट कैसे होते हैं एंटीना के? एंटीना का लार्ज डायमीटर होता है, राइट? छोटे डायमीटर पर हम काम नहीं करा सकते सिग्नल्स को कैच कराने के लिए। अभी तक कोई ऐसी छतरी नहीं बनी ना, ऐसा कोई डिस एंटीना नहीं है। फिर एफिशिएंसी ऑफ सैटेलाइट में डिक्रीज ड्यू टू एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट की भी एक समस्या है। 20 साल मान लो एक सैटेलाइट की एज है, 30 साल उसकी एज है, 18 साल अच्छा काम कर रहा है, लास्ट के 2 साल में दिक्कत दे रहा है, तो क्या लास्ट के 2 साल बेटर है कि उससे काम ही ना ले, राइट? तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? एजिंग इफेक्ट। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है? हाँ, ये क्या लिखा है? जियोग्राफिकल कवरेज कंप्लीट होता है सर, ग्राफिकल कवरेज कंप्लीट नहीं होता राहुल। ये तो 3 सैटेलाइट मिलाकर पूरे अर्थ का कवरेज होता है, 120 120 120, ठीक है? अब वो कितने एंगल पर लगा है, कितने एलिवेशन पर लगा, उस पर काम होगा। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, वाई अपलिंक फ्रीक्वेंसी
इज कैप्ट हायर अथवा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज कैप्ट लोअर। कोई भी एक लिख लीजिए, वाई अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज कैप्ट हायर अदरवाइज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज कैप्ट लोअर। दोनों तरह के हैं राहुल, दोनों तरह के हैं। जब पोलर पढ़ोगे तो वो 90 डिग्री पर ऐसे घूमते हैं, राइट, और नॉर्मल हमारे पास दिस। फिर एपोजी, पेरोजी, इसेंट्रिसिटी, ये सारे पॉइंट्स बनेंगे इस पर। ठीक है, अब देखो, जैसे नाइट में सैटेलाइट इमेज क्लियर दिखा सकते हैं, बिल्कुल नाइट की नाइट इमेज दिखाएंगे। जैसे अंधेरा आ रहा होगा तो अंधेरा दिखाएंगे, है ना, जितना वहां उजाला होगा उतना उजाला दिखाएंगे। आप एक बात बताओ, आप फ्लाइट में जाते हो, वहां से आप नीचे को देखते हो तो आपको केवल क्या दिखाई देता है? केवल डिम डिम लाइट्स ही तो दिखाई देती हैं। आप किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ से मान लो जहां भी आप रहते हो गोविंद, राइट, आप कहां रहते हो? गोंडा, गुंडा के ही हो ना आप, यूपी गुंडा। जीपी बस्ती, जीपी गुंडा कॉलेज है, बस्ती के रहने वाले हो, राइट, ओके, कॉलेज सही बताया मैंने। चलो, अब आपके यहां कोई है, वहां किला विला कुछ बस्ती में कहीं, कुछ पहाड़, अच्छा मैदानी भाग है, छोड़ो, मान लो कुछ ऊपर का हिली एरिया होता तो वहां से अगर आप देखोगे, या आपके यहाँ जो सबसे बड़ा घर हो उससे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको केवल लाइट वर्जन दिखाई देंगे, राइट। बलिया में है, बलिया तो अलग है ना राहुल, बलिया ज्ञान प्रभा, अच्छा बलिया में किला है, कुछ भी लिख रहे हो राहुल, है भी किला विला कि नहीं? देखो बोले सर को कुछ नहीं पता, जो बता दो मान लेंगे, नहीं है, राइट, नहीं है, राइट। देखो बलिया वालों से पूछिए सर राहुल, और लिख तो दिया बलिया वालों ने, नहीं है,
ब्रिगेश ने भी बताया नहीं है, अति नहीं है, नो सर, राइट। राहुल चुनियान चित्रकूट, राहुल फिर लिख क्यों रहे थे कि है, अब लिख रहे चित्रकूट, अब मैं ये पता करूं कि कौन चित्रकूट से है, यही काम बचा है। ठीक है, सॉरी, मैं जयपुर की बात करता हूँ, है ना, इधर तो सब, इधर तो किले देख ही रहे हो, तो नाहरगढ़ फोर्ट है। नाहरगढ़ फोर्ट से जब आपने मूवी देखी होगी, हाँ, एक मूवी आई थी, इसकी किसकी थी, रणवीर सिंह और हाँ नाम भूल गया मैं मूवी का, तो उसमें नाहर फोर्ट की फोटो थी। नाहरगढ़ फोर्ट से अगर आप नीचे को देखो, जयपुर में मतलब कई आमेर और कई सारे फोर्ट हैं, तो वहां से आपको दिखेगा केवल लाइटिंग वर्जन। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो नाइट क्लॉट में आपके पास नाइट इमेज दिखेगी, और नाइट इमेज में मान लीजिए लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं दिखाई देगी। तो ये जो जीपीएस सिस्टम के थ्रू हमारे पास नेविगेशन हम करा रहे होते हैं, नहीं इस मूवी की बात नहीं कर रहा था, तो वो तब वहां पर हमारे पास हमें वही विजन दिखाई देता है जैसा समय होगा, राइट। अगर इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग की इमेज आएगी, दोपहर का टाइम है तो दोपहर की इमेज आएगी, रात का टाइम है तो रात की इमेज आएगी। ठीक है गोविंद, ऐसा नहीं होगा कि वो रात को दिन की इमेज निकाल ले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठ रहा था कि सर वाई अपलिंग और डाउनलिंग में, पहले तो ये समझ लो आपस में अपलिंग और डाउनलिंग में फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो होनी ही चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस होगा। अपलिंग फ्रीक्वेंसी अलग, डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी अलग रखनी ही पड़ेगी, राइट। अपलिंग एंड डाउनलिंग शुड बी डिफरेंट, राइट राहुल, अपलिंग एंड डाउनलिंग शुड बी डिफरेंट। अपलिंग और डाउनलिंग को अलग अलग रखना पड़ेगा, ये बात क्लियर है सबको। अब अपलिंग को क्यों हाई रखना है और डाउनलिंग को क्यों लो रखना है, राइट। देखो पहला रीजन, फर्स्ट रीजन लिखो, आउटपुट पावर एम्पलीफायर, आउटपुट पावर एम्पलीफायर इन ट्रांसपॉन्डर। लिख लिया, देखो अब ध्यान से सुनो, जैसे ये 30 गीगाहर्ट्ज पर आप भेज रहे हो, और 20 गीगाहर्ट्ज पर ले रहे हो, तो ये अपलिंक था और ये डाउनलिंक था। अब जो हमारे पास डाउनलिंक है और ये जो अपलिंक है, राइट, यहां पर सिग्नल को रिसीव करते समय,
रिसीव करते समय ट्रांसपॉन्डर पर प्रॉपर पावर जनरेट हो पाए। तो ट्रांसपॉन्डर पर रिसीव करते समय ज्यादा पावर कब बन पाएगी? आपको पता है पावर फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी पावर लो बनेगी। पावर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 50 हर्ट्ज पर हैं लेकिन पावर वेरी हाई। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेगा हर्ट्ज पर भी है लेकिन पावर वेरी लेस। बोलो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस पढ़ाया था पहली क्लास में। तो क्या हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पर मोर पावर यहां डेवलप हो जाएगी ट्रांसपॉन्डर पर? तो बताइए, 30 गीगाहर्ट्ज और 20 गीगाहर्ट्ज में क्या 20 गीगाहर्ट्ज में सिग्नल को रिसीव करना ज्यादा आसान होगा या 30 में? लोअर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को रिसीव करना ज्यादा आसान, मोर ट्रांसपॉन्डर पावर बना पाएंगे। तो लिख लीजिए, वी कैन मैनेज मोर पावर विद लो फ्रीक्वेंसी। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई सॉरी लो उतनी पावर हाई। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना। ये सब रिसीविंग पे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना का क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि जो इफेक्टिव एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। एंटीना से ये फार्मूला आता है, राइट? तो अब एक बात बताओ, जो मैं एंटीना ले रहा हूं, जितना फ्रीक्वेंसी मैं हाई रखूंगा उतना मुझे एंटीना का कवरेज एरिया भी हाई रखना पड़ेगा। तो एंटीना का जो इफेक्टिव एरिया है कम रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी कम लेना अच्छा है या ज्यादा? बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या माइन्यूट फर्क पड़ेगा? अरे है तो दोनों ही गीगाहर्ट्ज में, थोड़ा ही फर्क है। तो क्या पहला तो फर्क ये था कि हमारे पास आउटपुट रिसीविंग एंटीना में प्रॉपर पावर बन जाएगी, राइट?
रिसीवर में जो ट्रांसपॉन्डर में पावर बनेगी वो प्रॉपर बन जाएगी लो फ्रिक्वेंसी में। अगला, अगर इस समय आप फ्रिक्वेंसी लो कर दें तो एरिया भी लो बन जाएगा, तो ये भी एडवांटेज हो जाएगा। लिख लीजिए, राइट, थर्ड अब अगर हम ये कहें पाथ लॉस, अब ये वाला पॉइंट समझो, इधर देखो, जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो राइट, तो फ्रीक्वेंसी हाई, यहां फ्रीक्वेंसी क्या है लो। तो मुझे एक बात बताइए, भेजते समय तो फ्रीक्वेंसी हाई रखनी ही पड़ेगी राइट, उस समय पाथ लॉस ज्यादा होंगे। बोलो, पाथ लॉस ज्यादा होंगे, इसको नंबर ऑफ लेयर को क्रॉस करके निकलना पड़ेगा। इस समय पाथ लॉस, फ्रीक्वेंसी हाई इसलिए बनाकर भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल है इसको प्रॉपर उस एलओएस लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करते हुए, एलोकेट करते हुए उस सैटेलाइट पर पहुंचना है। लेकिन वापस आते समय जब सैटेलाइट से आ रहा है तो इस समय हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर रखी है, लो। इस लो फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा फायदा है, जब यहां फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पाथ लॉस भी क्या हो जाएंगे, लो। पाथ लॉस लो होने का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पाथ लॉस लो होने का मतलब, देखो ये लेयर कई सारी लेयर है, इनको क्रॉस करते हुए निकलना है, इनको क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंचना है राइट। लेकिन जब ये वापस आएगा तो वापस आते समय ये इजिली यहां से पास होकर आएगा। हमारे पास भेजते समय ऑब्स्टेकल हैं और जब पहुंचने के बाद सिग्नल भेजा जाएगा और ऊपर भेजते, सैटेलाइट जहां है उससे और ऊपर भेजे और टफनेस होगी, लेकिन सैटेलाइट से अब नीचे वापस सिग्नल आ रहा है तो यहां पर पाथ लॉस कम चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं चाहिए। तो पाथ लॉस कम करने के लिए इसको किस फ्रीक्वेंसी पर भेजते हैं, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी पर। लोअर फ्रीक्वेंसी पर भेजने पर पाथ लॉस क्या हो जाएंगे, कम। तो पाथ लॉस इज लो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। तो रिसीविंग एंटीना पर क्या चाहिए आपको, लो पाथ लॉस। हाँ, अब मेरी बात समझ पाए आप, गोविंद? आप ऐसे ना सोचे कि सर जाने वाले रास्ते में भी ये पड़ेगा, वापस आने वाले रास्ते में भी ये पड़ेगा, लेयर पड़ेंगी। आप ये समझें
कि जो भी पाथ लॉस पड़ेगा चलते समय अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी लो, अपलिंक को हाई इसलिए रखना है ताकि सिग्नल प्रॉपर वहां प्रोपगेट करते हुए पहुंच जाए, डाउनलिंक को लो भी रखोगे तो सिग्नल रिसीव होना ही होना है। रिसीविंग के टाइम पर इशू नहीं है, ट्रांसमिटिंग के टाइम पर इशू है, राइट। रिसीविंग के टाइम पर लो फ्रीक्वेंसी पर भी सेम डाटा अचीव किया जा सकता है, इसके लिए एंटीना का साइज भी कम कर सकते हैं। भेजते समय जो ट्रांसपॉन्डर की छतरियां होती हैं बड़ी होती हैं, लेकिन रिसीव करते समय जो डायामीटर घर में जो एंटीना लगे होते हैं वो छोटे डायामीटर के होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग किए हो, दूरदर्शन का ही भला कर देते, उसका नाम ही है दूरदर्शन। राइट अब देखो दुनिया में तीन रीजन डिवाइड हुए, ये तीन रीजन डिवाइड हुए और इन तीन रीजन के बेस पर हम सैटेलाइट को स्टडी करते हैं। जैसे एक यहां पर बीम विड्थ भी होता है बट वो एंटीना के साथ रिस्पेक्ट में आता है। चलो अब इसके बाद सैटेलाइट के ये तीन एलोकेशन समझना, तीन रीजन बने सैटेलाइट के लिए। एक रीजन वन, एक रीजन टू और एक रीजन थ्री। ठीक है, तीन रीजन बने, वन टू थ्री। रीजन वन की बात करें तो इसके अंदर यूरोप आया, राइट, अफ्रीका, मंगोलिया, अरे सोवियत यूनियन और मंगोलिया ये सब पूरा, ठीक है, पुराना सोवियत यूनियन था ना, पुराना सोवियत संघ क्या बोलते हो आप यूनियन को, संघी बोलते हैं ना समुच्चय, ना संघी बोलते हैं, सोवियत संघ, ठीक है। रीजन टू में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, इंडिया कहाँ है, इंडिया आ रहा है तीसरे रीजन में है, बहुत चिंता है इंडिया की, देखो एशिया में आ जाएगा इसे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट पैसिफिक, आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट ने तीन रीजन में डिवाइड किया है इसको, रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री। इनके बेस पर ये तीन रीजन है स्टूडेंट्स, एक रीजन यूरोप, अफ्रीका, मंगोलिया, सोवियत संघ वाला है, एक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड का है, और बाकी जो बचा वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट पैसिफिक, ये रीजन थ्री है। इन तीन रीजन के बेस पर चीजें स्टार्ट की गई। जब कभी आईएएस या कुछ बनोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज पर, टेलीकम्युनिकेशन पर, तो आपके डिपार्टमेंट का नाम इंडियन गवर्नमेंट आपको भेजती है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, यहीं पर सब कुछ डिसाइड होते हैं कंट्री कोड,
किस कंट्री में फोन किस कोड के थ्रू लगाना है, राइट, किस कंट्री में एफएम का बैंड कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पर रखना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, हर कंट्री के सदस्य इसमें होते हैं। नहीं होंगे तो फिर पार्सलिटी नहीं हो जाएगी। देखो गोविंद, एक ही कोड जानते हो केवल +91, अब आ जाओ आईटीयू के बाद पांच तरह की सर्विसेज आती हैं। ये सब कुछ पांच सर्विसेज, ये सारी कंट्रीज पर पांच सर्विसेज आती हैं। अगर मैं पहली सर्विसेज की बात करूं तो इसका नाम है एफएसएस, सेकंड सर्विस का नाम है बीएसएसएस, थर्ड सर्विस का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती है, थर्ड सर्विस का नाम है एमएसएस, फोर्थ सर्विस का नाम है एनएसएस, फिफ्थ सर्विस का नाम है एमएसएस, एक मोबाइल है, एक मेट्रोलॉजिकल है। राइट एफएसएस का मतलब है फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज, सेकंड बीएसएस का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज, थर्ड एमएसएस का मतलब है मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, एनएसएस का मतलब है नेविगेशन सैटेलाइट सर्विसेज, और इसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विसेज। ठीक है, हो गया
अब एफएसएस का मतलब फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस है, बीएसएस का मतलब ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस है, एमएसएस का मतलब मोबाइल सैटेलाइट सर्विस है, एनएसएस का मतलब नेविगेशन सैटेलाइट सर्विस है, एमएसएस का मतलब मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विस है। देखो इधर तीन तरह के कंट्री एलोकेशन हुए, समझना। पहले सबसे पहले दुनिया में कौन आया? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट। इसने पूरे संसार को, वर्ल्ड को तीन हिस्सों में तोड़ दिया, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। तीन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो गए, तीन राहुल, तीन सैटेलाइट पूरा अर्थ कवर, राइट, तीन रीजन में तोड़ दिया, और तीनों 120 120 120 पर लगे हैं, राइट। अब इन तीनों के द्वारा पांच तरह की सर्विसेज थी, एफएसएस, बीएसएस, एमएसएस, एनएसएस, एमएसएस। दोनों एमएसएस में फर्क है, अब एक एक करके बताता हूं। एफएसएस मतलब फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज हैं, राइट, ये ऐसे सर्विस एप्लीकेशंस हैं जो फिक्स है। हर कंट्री का अपना मिलिट्री सिस्टम फिक्स है, राइट, मिलिट्री ऑपरेशंस हर कंट्री के अपने फिक्स हैं, तो उसके लिए फिक्स सैटेलाइट सर्विस ये लोग अपनी यूज करते हैं, इसमें किसी से और कोई समझौता नहीं होता, राइट, मेरी बात समझ पा रहे हैं। एफएसएस सर्विस हर कंट्री की अपनी फिक्स है, राइट, हर एक कंट्री का प्रतिनिधि आईटीयू में बैठा होता है और वो अपने एफएसएस एलोकेशन को देखता है, राइट। बीएसएस ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज में जब ब्रॉडकास्टिंग की बात आती है, जैसे मान लो इंडिया में कुछ हो रहा है, मैं ब्रॉडकास्ट करना वर्ल्ड में कहीं, तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए बीएसएस डिजाइन किया जाता है, राइट, बीएसएस। क्या समझ पा रहे हैं डिपार्टमेंट का नाम? बीएसएस ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज है। और जब हमें ब्रॉडकास्ट का मतलब समझ रहे हैं, इंडिया में कुछ होना, जैसे पीएम मोदी हैं तो मोदी जी के यहां कुछ अगर चल रहा होगा जो भी, तो मोदी जी का जो भी एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, या यूपी में जैसे सीएम रहे अखिलेश यादव, उनका कोई टेलीकास्ट होना है, ओल्ड जो आपके जो भी थे, तो उनका कोई लाइव टेलीकास्ट होना है, या राहुल गांधी का होना है, या मतलब जो भी बड़े बड़े डेलीगेट्स नेता है, तो उनकी जो रैली है उनके बारे में, जैसे दिल्ली में आम आदमी हो गए, तो जो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इनका लाइव टेलीकास्ट करने के लिए किस सर्विसेज का यूज करते हैं? बीएसएस, राइट। मोबाइल के थ्रू जो भी सर्विस एक्टिविटी चाहिए वो एमएसएस है। कौन सी है? एमएसएस। ब्रिकेश इधर देखो, ये जीपीएस के लिए आपकी जितनी व्हीकल्स है, आज की डेट में आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी कोई चलाए कहीं ले जाए, आपके पास जीपीएस में सब कुछ एलोकेशन आता रहता है। दैट मींस क्या है? अब एनएसएस सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सर्विसेज, ये पूरा सैटेलाइट से ट्रैक होता है, राइट, पूरा कहां से ट्रैक होगा? सैटेलाइट से। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विस धरती के अंदर के लिए है, जहां धातुएं, जहां खोज होती है धरती के अंदर, अर्थ के अंदर कोल माइंस है, राइट, झारखंड हो गया, या आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, जहां पर डिफरेंट माइंस हैं, राइट, खाने हैं, वहां अलग अलग लोहा है, कांसा है, जस्ता है, जिंक है, जो भी निकाला जा रहा है, तो उनकी जब खदानों के अंदर कोई हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होता है, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मैच कराते हैं, और जीपीएस सिस्टम बताता है कि कहां खुदाई करने के बाद कहां पॉसिबिलिटी अच्छी है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी किससे लिंक होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, राइट, ये मेट्रोलॉजिकल है और ये मोबाइल है, दोनों में फर्क है। समझ पा रहे हैं सभी? ये पांच तरह के डिपार्टमेंट आईटीयू ने बनाए हैं, एफएसएस, बीएसएस, एमएसएस, एनएसएस, एमएसएस, राइट, बात क्लियर है सबको? ये पांचों लिख लीजिए।
एमएसएस कौन सा? मोबाइल स्टेशन राहुल। देखो मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज में जैसे मान लो हमें कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है जो हमारे पास अदर कंट्रीज है, राइट। अब उसकी कंट्रोलिंग करने का तरीका एमएसएस के थ्रू होगा। वहां सब कॉन्टिनेंटल रीजन के लिए जो भी अब हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है उसका अपना एक कोड होगा, राइट। वो कोड डिसाइड करेगा कि कॉल कहाँ की है। तो जो हमारे पास बीटीएस होते थे, बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, इससे कॉल कहाँ जाती थी? एमएससी पर, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर पर। इससे कॉल अब कहाँ जाएगी? सैटेलाइट्स पर। ये पहचान करेगा कि ये कॉल इंडिया की है कि फॉरेन की है। और अब फॉरेन की कॉल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैटेलाइट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब ये सैटेलाइट के थ्रू जाएगी तो सैटेलाइट के थ्रू जाते समय किस सिस्टम की यूज हो रहा है? मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज। अब इसको आप ऐसे लिंक ना करें, सर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल तो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई कोड वोड नहीं चाहिए, इंस्टा पर ऐसे ही कॉल हो जाती है, वीओ मतलब अलग अलग जो कंट्रीज हैं, स्नैपचैट चैट अलग अलग वर्जन चलते थे, राइट। सर हाई फाइव था उस पर हम कर लेते थे, वैसे ही फॉरन पर कॉल। उन कॉल करने का तरीका वो क्या है? वो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पर है, वो आप ब्रॉड इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। वो कॉल किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट नेटवर्किंग के थ्रू। ये कॉल इंटरनेट के थ्रू नहीं है, क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं भी है तो भी ये कॉल हो रही है। वहां ये कॉल कैसे थी? कनेक्शन की वजह से। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं हम लोग कि आखिर, अच्छा कैपलर वैपलर के नियम याद हैं? कैपलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, चलो ठीक है फिर इसको नेक्स्ट ही कराएंगे। यहां तक हो गया ना सबका? तो नेक्स्ट क्लास में अब एपोजी पेरोजी है ना, इसेंट्रिसिटी, ये बताता हूं कैसे ऑर्बिट को देखते हैं सैटेलाइट के थ्रू। अच्छा वो एक कोण होता है, क्या नाम होता है उसका? एजीमुथल एंगल, क्या बोलते हो आप लोग उसको? एजीमुथल एंगल ऑफ एलिवेशन, यस लिखो एजीमुथल एंगल, लुक एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी तक लिखा ही नहीं किसी ने। अरे उन्यान कोण, और क्या थी हिंदी? अवनन नहीं, क्या नाम था? उन्यान तो सही है, एक और था कुछ, अवनामन, रियस, ठीक है, उन्यन और अवनमन, अवनमन, यस। ये दो कोण जो है अभी देखते हैं, चलिए ठीक है कल बताते हैं फिर, फाइन। हाँ ज्ञान पेपर राइट करो, ओके ठीक है, चलो ओके बाय बाय। बिल्कुल कल से नए साल की नई शुरुआत करना, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।
आप सभी को, सभी को बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके।